वैसे आप सभी लोग आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के क्विज कंपटीशन के बारे में। ये सर्टिफिकेट आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिलने वाला है और इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहें। ये सर्टिफिकेट आप लोग के लिए वेरीफाइड है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आप लोग को कम्प्लीट जो है माई गवर्नमेंट इंडिया की वेबसाइट की तरफ से मिलने वाला है। ये वेबसाइट कम्प्लीटली वेरीफाइड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनी हुई है। माई गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जिसमें आप लोग को डेली बेसिस पर नए नए सर्टिफिकेट रिलेटेड, नए नए कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि आप लोग इन क्विजेज़ को करके, इनके कोर्सेज को कम्प्लीट करके एक अच्छी जॉब पा सकें और इसको आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि माई गवर्नमेंट वेरीफाइड और सर्टिफाइड वेबसाइट्स है, जहाँ से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं और वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी होते हैं, जिसमें कि आप लोगों को सारी नॉलेज दी जाती है और आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, डिजिटल इंडिया क्विज कंपटीशन सर्टिफिकेट होने वाला है। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें आप लोग को 60 सेकंड का टाइम मिलेगा, यानी कम्प्लीट आप लोग को 1 मिनट में सारे क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीट करने हैं। मैं आप लोग बताऊँ कैसे सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग हमारे लेट्स स्टार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग को इस तरह के अमेजिंग वीडियो मिलती रहती हैं और आप लोग डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपको एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना होता, आप लोग किसी को पेमेंट नहीं करना, डायरेक्टली एनरोल करके आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देखिए और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस वेबसाइट को आप लोग सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आप लोग रिक्वायरमेंट पड़े तो यहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट देख सकते हैं। पहले तो आप लोग को करना क्या गया, यहाँ पर नीचे जाएंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें अच्छे से। पहले टॉप 5 क्वेश्चन विल बी आंसर 60 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है और पार्टिसिपेट करने का आप लोग सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। लॉग इन टू फिलिक को इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद अगर आप लोग पहले से इनरोल कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप लोग पहले अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लें, ठीक है। अदरवाइज आप लोग मोबाइल से भी इसे इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसमें इनरोल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग सामने सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। एनरोल कर लिया, एनरोल करने के बाद आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट को इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग सामने 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनको आप लोग जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है तब भी आप लोग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान हो, मैं सारे क्वेश्चन आंसर देता हूँ और आप लोग भी सारे क्वेश्चन आंसर साथ में देते चलिए। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट लिंग्विस्टिक ई मेल सर्विस विच इज़ लॉन्च्ड इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस, कौन सी थी, भाषा ईमेल, ई पत्र, डेटा मेल बाय बीएसएनएल है। नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीओजी, ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। विच गवर्नमेंट प्रोजेक्ट EIMS टू लिंक ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया थ्रू अ हाई स्पीड नेटवर्क, नेटवर्क नॉलेज मैनेजर नेटवर्क, नेटवर्क नॉलेज लिंक, नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क, कौन सा है, फर्स्ट वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। व्हेन वाज माय गवर्नमेंट लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी, कभी लॉन्च किया गया था, 2015 में। सर क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर, ठीक है, डिजिटल इंडिया क्विज का डाउनलोड पर क्लिक कर लें। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग सर्टिफिकेट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा होता है और इसमें आप लोग को सबसे अच्छा तो इंटरेस्ट आता है कि हाँ आप लोग इस तरह सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसमें आप लोग को नॉलेज मिलती है। तो नाम आ गया यहाँ पर मेरा, CEO के साइन आ गए हैं NEGC के, और ये वेरीफाइड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, माई गवर्नमेंट की तरफ से सॉरी, क्योंकि इस तरह के डिजिटल इंडिया के सर्टिफिकेट आप लोग को विद इन अ मिनट मिल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों, मिलते हम लोग अगली वीडियो में।